आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स, वो भी शॉर्टकट मेथड से। जितने भी आपके एसएससी, जेईई, एनडीए एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी में डिटर्मिनेंट्स निकालना आता है, तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। आज हम शॉर्टकट तरीके से डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन, लेते हैं हम, मैट्रिसेस है ए, ए इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। ये थ्री इंटू थ्री मैट्रिसेस है हमारे पास, इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास है कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। जब भी हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो जो हमारे कॉलम्स, फर्स्ट टू कॉलम्स है, उनको हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं, ये आ गया ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू एंड बी थ्री। इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कौन सी होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले ऊपर से नीचे आते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट हमने लिख लिया जो हमारे पास आया है ए वन बी टू सी वन, हमने ये मल्टीप्लाई कर दी। देन प्लस नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन होगी आपकी बी वन सी टू ए थ्री। तो हमारी नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई, बी वन सी टू ए थ्री प्लस उसे नेक्स्ट सी वन ए टू बी थ्री। तो हमारे पास क्या आ गया, सी वन ए टू बी थ्री। ये कब तक करनी है, जो हमारा कॉलम, हमारे पास जो मैट्रिसेस होता है उसका जो फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट होता है वहां तक नीचे जाना है, उसके बाद हमने फिर से फर्स्ट कॉलम के लास्ट एलिमेंट से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू करनी है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम जब भी ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, नीचे से ऊपर जाने के टाइम हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। यहाँ हमारा कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या आ गया, ए थ्री बी टू सी वन, ए थ्री बी टू सी वन प्लस नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा बी टू बी थ्री सी टू ए वन, बी थ्री सी टू ए वन प्लस लास्ट सी थ्री ए टू बी वन, सी थ्री ए टू बी वन। दिस इज योर आंसर। ये हमारे पास अब क्या आ गया, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। एक तो ये ट्रिक्स है, हमने इस वे से पूरा डिटर्मिनेंट निकाल लिया। एक और ट्रिक है, हम इसी चीज को दोबारा से देखते हैं कि हमने लिखा कैसे है। तो हम इसके लिए एक लाइन लगा देते हैं, ये बन गई लगी हमारी लाइन। अब देखते हैं हमने किया कैसे है। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एबीसी। फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं एबीसी, उसके बाद हमने ए को उठाना है और लास्ट में रख देना है, बीसी क्या है पीछे आ जाएगी। तो प्लस बी सी ए, हमने क्या किया, ए को लास्ट में रखा है तो बीसी आगे आ गया। नेक्स्ट स्टेप, बी को उठा के लास्ट में रखेंगे और सी ए आगे आ जाएगा, तो सी ए डी। ये आपकी फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद आपने कौन सा साइन लगाना है, माइनस साइन, तो ये लग गया आपका माइनस साइन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फिर से यही तीनों दोबारा लिख देते हैं, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, ये लिख दिया। अब ये तो हमें पता चल गया कि लिखना कैसे है। अब आती है नंबरिंग की बारी कि हमने इनकी नंबरिंग कैसे करनी है। अब नंबरिंग के लिए हम कैसे पैटर्न फॉलो करते हैं, वन टू थ्री, जो फर्स्ट लाइन है उसमें सभी में वन टू थ्री आएगा, तो वन टू थ्री वन टू थ्री, तीनों में हमारे पास क्या आ गया, वन टू थ्री। इसको कंपेयर करके देख लो, ए वन बी टू सी थ्री, बी वन सी टू ए थ्री, बी वन सी टू ए थ्री, सी वन ए टू बी थ्री, सी वन ए टू बी थ्री। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी, फिर माइनस साइन लग चुका है। जो सेकंड लाइन है उसमें नंबरिंग की फॉलो कैसे करते हैं, थ्री टू वन, तीनों में
3, 2, 1, 3, 2, 1. इसको भी कंपेयर कर लो, A3 B2 C1 B3 C2 A1 B3 C2 A1 C3 A2 B1 C3 A2 B1. तो हमने देखा कि कितना आसान है डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए अगर हमें डायरेक्ट पता है, और बहुत आसान है ABC BCA CAB. फर्स्ट जो आपका नंबर है उसको उठाकर पीछे रखते जाना है और एक लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी. सिमिलरली सेकंड लाइन लिख देनी है, दोनों लाइन के बीच का साइन नेगेटिव माइनस, और उसके बाद नंबरिंग. फर्स्ट में नंबरिंग 1, 2, 3 तीनों में, थर्ड सेकंड में 3, 2, 1 तीनों में. बस यही आपने स्टेप को फॉलो करना है. अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है, हम पिछले वाले मेथड से अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. हम इसको नेमिंग कर देते हैं. ये हमारे पास A1 एलिमेंट है, ये B1 है, ये C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3. हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? फॉर्मूला हमारे पास था A B C plus A पीछे B C A plus B पीछे C A B minus then फिर से यही A D C B C A C A B. और नेमिंग क्या लिखी थी हमने? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. इतना हो गया. अब हम एलिमेंट्स उठाते हैं. तो A1 हमारे पास क्या है? 3. B2 0. C3 0 प्लस B1 9. C2 1. A3 6 प्लस C1 5. A2 माइनस 4. B3 3. ब्रैकेट क्लोज देन माइनस. उसके बाद हमारे पास क्या है? A3 6, B2 0, C1 5 प्लस B3 3, C2 1, A1 3 प्लस C3 0, A2 माइनस 4, B1 9. तो हम इसको बस कैलकुलेट कर देते हैं, बहुत ही आसान है. फर्स्ट 0 प्लस 54 माइनस 60 माइनस लास्ट स्टेप यहां पे हम करते हैं, 54 माइनस 60 माइनस 6 माइनस 9. तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? माइनस 15. दिस इज योर डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज माइनस 15. हमने कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर निकाल लिया है. बहुत आसान है. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रितु मैथ मंत्रा पे उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो. आने वाले टाइम में मेरे इस चैनल पे आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो देखने को मिलेगी. थैंक यू.